Hello dear students, I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. So today let's we discuss the another important topic in this class. This is topic is called as the introduction of bunker and silo. This is a very important for your RGBP exam point of view. Bunker and silos. Bunker and silos. आप लोगों को सीधा सीधा एक दो क्वेश्चन आएंगे. Design of bunker और design of silos. तो ये इस यूनिट में जो आपके यूनिट नंबर 4 है इसमें सिंपल से दो टॉपिक दिए. डिजाइन ऑफ बंकर एंड सिलोस. अगर आप यूनिट को उठा के देखेंगे तो मतलब कि एक डिजाइन बंकर 150% एग्जाम में कंफर्म है आना, और एक डिजाइन आपका सिलोस कभी कभी पूछ लेता, पर बंकर 100% आपसे पूछेगा. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बंकर एंड साइलो. दिस इज द आउटलाइंस. इंट्रोडक्शन ऑफ बंकर एंड साइलोस, डिफरेंस बिटवीन बंकर एंड साइलोस, एंड IS कोड यूज फॉर डिजाइन ऑफ विन. बोथ आर कॉल्ड बंकर एंड साइलोस इज कॉल्ड एज द विन. इंट्रोडक्शन ऑफ बंकर एंड साइलोस. बंकर एंड साइलो बोथ आर कॉल्ड एज द विन. विन जस्ट क्लिकिंग द थिंग लाइक अ डस्टबिन. तो दिस इज यूज, और बोथ आर यूज फॉर द स्टोरेज पर्पस. हम लोग इसको कहां के यूज करते हैं सर? बड़े बड़े स्टोरेज, जैसे आपको बल्क में कोई चीज स्टोर करनी है तो उनको यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर अ सिविल इंजीनियर, ये इतने बड़े होते हैं, इनके जो बिन की बात कर रहे हैं हम लोग, इतने बड़े बिन होते हैं कि इनके नीचे से आप लोग ट्रक निकल जाते हैं. इतने बड़े बड़े बिन बनाते हैं हम लोग, और ट्रक निकल जाते हैं, और इनको ओपनिंग जो करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं इनको, और उसमें जो भी आपने मटेरियल को स्टोर किया हुआ उस सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस से उसमें स्टोर हो जाता है. तो ये हमारे बंकर और साइलोस की स्पेशलिटीज होती है. जैसे SBR सिविल इंजीनियर, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं. SBR सिविल इंजीनियर, जैसे हम लोग बैचिंग प्लांट का नाम आपने सुने होंगे, तो बैचिंग प्लांट पर क्या करते हैं हम लोग, बल्क में रेडी बहुत सारा कॉन्क्रीट बल्क में तैयार करते हैं. तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए. तो सीमेंट तो सैंड तो ठीक है, ओपन में हम लोग डाल देते हैं, एग्रीगेट भी ठीक है, मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सीमेंट है उसको आपको लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना है. तो हम लोग कैसे करते हैं, बैग फॉर्म में करते हैं. अब बैग में कई बार क्या होता है, जैसे रेनिंग सीजन बारिश हो गया या फिर कहीं से मॉइस्चर ले लिया उसने, तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ढीले पड़ जाए तो खराब हो जाता. तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट को पाउडर फॉर्म में बंकर में स्टोर कर देते हैं. और फिर जब हम लोग को कॉन्क्रीटिंग बनानी होती है बल्क में, तो फिर वहां से हम लोग बंकर से या सिलोस से उसको हम लोग ले लेते हैं बल्क क्वांटिटी में. तो हम लोग कॉन्क्रीटिंग बल्क, इस तरह के इसके बहुत सारे यूजेस हैं. तो अगर इसकी साइंटिफिकली डेफिनेशन की बात करूं मैं आपसे, तो बंकर एंड सिलोस आर दी स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर दी स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक अ ग्रेन, कोल, सीमेंट. कुछ भी हो सकता है, ग्रेन भी स्टोर करते हैं, जैसे आपने देखा बल्क क्वांटिटी हम लोग ग्रेन भी स्टोर करते हैं. तो सेफ फॉर दी मॉइस्चर, जिससे उसमें मॉइस्चर ना आए तो हम लोग स्टोर कर लेते हैं. फिर सीमेंट का मैंने यूज आपको बताया, कोल भी स्टोर करते हैं. कोल क्या होता है, अगर हम लोग इसमें स्टोर करेंगे तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर नहीं लेगा. मॉइस्चर नहीं लेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा भाई बर्निंग प्रोसेस में. कोल फिर वो जो मॉइस्चर नहीं है उसमें, वो कोल जल्दी से बर्न करेगा. दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको वो थार कॉल्ड एज अ विन. द स्टोर मटेरियल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ अ विन. ऑब्वियस है, जो हम लोग मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं वो क्या करेगा, एक प्रेशर लगाता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर को, कहां पर, इनके बॉल पर. दिस प्रेशर वेरीज ड्यूरिंग द फिलिंग एंड एम्प्टी प्रोसेस. बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रेशर जो है, जो वॉल्स पर प्रेशर लगा रहा मटेरियल, सिलोस डिजाइन कर रहे हैं बंकर, वो प्रेशर डिफरेंट होगा. किस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोग उस मटेरियल को फिल कर रहे हैं या मटेरियल को उसमें एम्प्टी कर रहे हैं. खाली कर रहे हैं तो प्रेशर अलग होगा, और जब बिन को हम लोग भर रहे हैं तो प्रेशर अलग होगा, ऑब्वियस अलग होगा. आरसीसी बिन आर प्रेफर्ड टू स्टील बिन सिंस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ आरसीसी इज लेस. ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार क्लासेस में डिफरेंस बताए हुए हैं कि आरसीसी स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेसिकली. तो यहाँ पर उसने एक लाइन को रिकमेंड किया हुआ है कि आप लोग जब आप लोग 8th सेम में पढ़ेंगे तो स्टील के बिन भी बनाने को आएंगे, मतलब कि साइलोस और बंकर स्टील के भी बनाते हैं और आरसीसी के भी बनाते हैं. तो ये लाइन ये रिकमेंड कर रही है कि आप लोग स्टील के बिन की कंपेरिजन में आरसीसी के बिन यूज करिए, बिकॉज ऑफ आरसीसी बिन की लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होती है. तो ये प्रेफर्ड बोलता है कि अगर आपसे बोलता है कोई स्टील के करें या फिर आरसीसी करें तो आप लोग आरसीसी बिन को प्रेफर करिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन द बंकर एंड साइलो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बंकर एंड साइलो डिफरेंस. आपसे आरजीबी एग्जाम में 100% पूछेगा भाई. तो सिंपल से डिफरेंस है, जब बंकर की बात करें तो बंकर आर साइलो बिन एंड साइलो आर डीप बिन. बंकर की क्या विड्थ ज्यादा होती, साइलो की आपकी डेप्थ ज्यादा होती. द प्लेन ऑफ रप्चर ऑफ द मटेरियल स्टोर्ड means to top horizontal surface of the material. The plane of rupture to meet opposite side of the wall. देखिए बंकर में क्या रहता है कि आपका विड्थ ज्यादा और डेप्थ कम है, तो प्लेन ऑफ रप्चर जो बनता है वो आपके डायरेक्ट मटेरियल सर्फेस को कट करता है. लेकिन साइलोस में क्या होता है, उसकी डेप्थ ज्यादा होती है, तो प्लेन ऑफ रप्चर क्या होता है, उसकी साइड वॉल को कट करता है. बंकर जनरली हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं,
बट साइलो हम लोग क्या करते हैं सर्कुलर शेप में लेते हैं भाई। तो ये और तीसरा नेक्स्ट डिफरेंस आप दोनों के डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दोनों के डायग्राम बनवाए थे, तो आप दोनों के डायग्राम यहाँ बना दीजिएगा। बंकर का डायग्राम जिसकी डेप्थ ज्यादा कर दीजिएगा, साइलो का डायग्राम सेम रहेगा पर उसकी डेप्थ ज्यादा कर दीजिएगा और बंकर की आप विड्थ ज्यादा कर दीजिएगा, तो इस तरह से उसमें ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आईएस कोड हम लोग रिकमेंड करते हैं भाई डिजाइन ऑफ बिन के लिए, ये आईएस कोड आप लोग ले भी सकते हैं, मैंने आपको रिकमेंड किया था पिछली क्लास में, तो आईएस कोड को आप लोग अपने पास भी रख सकते हैं। ये आईएस कोड ले जाना आप लोगों को एग्जाम हॉल में अलाउड होता है भाई, तो बस इनको भी फिर ले जा सकते हैं। तो आईएस कोड यूज फॉर डिजाइन ऑफ द बिन इज द आईएस 4995 1975, दिस आईएस कोड इज हैविंग अ इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ बिन। This is a designer of win. Thank you so much.